हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फूड प्लाजा। आज की हमारी रेसिपी है मैंगो कस्टर्ड। चलिए इसके लिए सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेते हैं। जब तक हमारी दूध बॉईल हो रही है, तब तक मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को लेकर उसका ठंडे दूध से घोल बना लिया है। मैं यहाँ वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर का यूज कर रही हूँ। किसी भी फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध या ठंडे पानी से ही उसका घोल बनाएं। कस्टर्ड पाउडर का अच्छे तरीके से मिला लें ताकि उसमें कोई भी लम्स न रहे। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपने कस्टर्ड पाउडर के मिक्स को अच्छे तरीके से धीरे धीरे डालकर चलाते जाएंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स न रहे और वो तले से चिपके नहीं। अगर आपको कस्टर्ड और भी ठीक चाहिए तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को ठंडे पानी या ठंडे दूध से घोल बनाकर और इसमें मिक्स कर दें। इसे कंटिन्यू चलाते रहें। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून चीनी का यूज किया है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। शुगर के डिजॉल्व होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। कस्टर्ड बहुत ही जल्दी पक जाती है। अब इसमें एक बॉयल आ गया है। अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि मुझे ये इतनी ही थिक चाहिए और कस्टर्ड ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ आम के कुछ टुकड़ों को कट करके रख लिया है। अब इसके ऊपर कस्टर्ड को पोर कर देंगे। आप आम की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंगो कस्टर्ड को कुछ देर फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख दें, तब इसे सर्व करें। आप इसकी गार्निशिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। मैंने इसकी गार्निशिंग कुछ केसर के धागे और मेलन सीड से की है। इस मैंगो सीजन में एक बार आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें मैंगो कस्टर्ड। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।